अभी करण ने बोला भी नहीं है कि वो प्रीता से प्यार करता है, उसके बाद भी इतनी पागल है उसके लिए, इतना मरते ही उसके ऊपर। जब करण भूल देगा कि वो उससे प्यार करता है तो क्या करेगा? क्या करेगी? जो भी करण कहेगा वो सब कुछ करेगी, क्यों ना करे, करना भी चाहिए ना। करण ने उसको वो सब कुछ दिया है जो अदरवाइज उसकी लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होता। पैसा, नाम, दौलत, शोहरत और सबसे इंपॉर्टेंट मिसेस करण लूथरा का टैग, वो टैग जो मुझे चाहिए था, जिसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, किस हद तक नहीं गई, सब कुछ किया मैंने। लेकिन क्या बना मुझे, सिर्फ मुसीबत। हर किसी के पास कोई ना कोई है जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो चाहता है। बाकी आंटी के पास महेश अंकल है, रीता के पास करण है, शुभलिन के पास पृथ्वी, पृथ्वी तो प्रीता। मुझे क्यों करना है, कौन किसके साथ रहता है, क्यों करना है मुझे? मेरी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे पड़ी है कौन सी बात मैं कहां ले जाती हूं। इतनी बेवकूफ हूं ना मैं, बट ठीक ही है, ठीक तो है। क्या है मेरी लाइफ? मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, कोई भी नहीं है मेरी लाइफ। भी तो चाहिए ना कि कोई हो मेरी लाइफ में जो मुझसे प्यार करेगा, जो मेरा बनकर रहेगा, वो करण है, सिर्फ करण, और कोई हो ही नहीं सकता। करण, मैं तुम्हें नहीं देख सकती प्रीता के साथ। मैं जानती हूं मैं कि तुमने उससे शादी कर ली है, शायद उससे प्यार भी करते हो। मैं क्या करूं मैं उसको, मेरा दिल नहीं मानता ये सारी बातें, मैं नहीं समझती, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। और उस प्यार की कसम करण, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, तुम्हारे प्यार को पाने के लिए कुछ भी करूंगी, किसी भी हद तक जाऊंगी, पर तुम मेरे योग्य उस प्रीता के नहीं। नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हें किसी का भी नहीं होने दूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम प्रीता के नहीं हो। सोहेल जी, हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि वो फोन चोरी हो गया। अगर फोन चोरी हो गया तो मैं पुलिस स्टेशन जाके उसकी रिपोर्ट लिखा देता हूँ। नहीं नहीं मामा जी, सुनिए, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, खुद ही सोचिए ना, वो जो फोन था वो अक्षय के मर्डर केस का इम्पोर्टेंट एविडेंस था। पुलिस हम पे उल्टा डाउट करेगी, हम पे शक करेगी कि हमने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है। इट्स एन ऑफेंस मामा जी, ठीक है? और वो फोन चोरी हो गया तो वो भी अपने आप में एक ऑफेंस होता है ना। फोन का खो जाना, चोरी हो जाना, अपने आप में एक ऑफेंस होता है, इट्स मिसिंग, तो हमने छेड़छाड़ की है। मैं नहीं चाहती कि पुलिस ये सोचे और पता चला मुझे, भाभी को, समीर भाई, शशि सबको अरेस्ट करके ले गई। मत करिए मामा जी, प्लीज मत जाइए। क्यों, तुम चारों को पुलिस क्यों ले जाए? अरे फोन तो इसी के पास था ना, चोरी भी इसी से हुआ है। अरे ये जो धारा वारा इसी को लगनी है ना, पुलिस इसी को ले जाएगी और जो भी करे पुलिस इसी के साथ करेगी। तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो? सोहेल, तुझसे ना एक जरूरी बात करनी है। कृतिका प्लीज गिरीश भैया को बोलना दो कप चाय अंदर भेज दे। थैंक यू। अब वो गिरीश भैया मार्केट गए हैं, मैं ही चाय बना देती, सॉरी। अभी काम है मामा जी, मैं आती हूँ। आपने भी कैसे घर में शादी कर ली प्रीता जी, बहुरानी से नौकरानी बन के रह गई। इसकी चाय, उसकी चाय, इसकी हाय, उसकी हाय। अगर आपने मुझसे शादी की होती ना प्रीता जी, तो मैं ही खुद आपको चाय बना बना के पिलाता। पर क्या करें,
आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं निकली ना प्रीता जी। समीर क्या चक्कर है बाबा, अभी तुम बोले थे फोन चोरी हो गया है, अभी तुम बोल रहे फोन आ रहा है। सोहेल भाई प्लीज मामला वामला सब छोड़िए और एक बात याद रखिए, हमने जो भी आपको कहा ना नीचे, जो भी बातें हमने की फोन के बारे में, उसे प्लीज भूल जाइए। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे वो फोन दो जिसके लिए मैं यहाँ आया। ये सब बोलना है यार तुम्हें, ये लीजिए ये है वो फोन, सबकी नजरें इस फोन पे थी, बड़ी मुश्किल से बचते बचाते लाए। यार सोहेल ये सब छोड़ना बड़ा उलझा हुआ मैटर है, जो तू चार्जर लेके आया था ना, प्लीज जल्दी से चार्जर निकालो, उस फोन को चार्ज पे लगा, फोन को जल्दी से। भाभी एक बार ये फोन ऑन हो जाएगा ना, हम किसी बकरे बकरे को फोन नहीं करेंगे, इसकी वीडियोस देखेंगे, एक बार वीडियोस देख ली ना प्रॉब्लम सॉल्व है ना। अभी फोन इतना चार्ज हो गया है कि इस अंदर क्या है सब देखा जा सकता है। सैमी, मैं यहाँ पर इतने टेंशन में हूँ कि अगर वहां दीने करण जीजू को बता दिया सब कुछ तो करण जीजू कैसे रिएक्ट करेंगे, और तुम फोन में लगे हुए हो। अरे सृष्टि कुछ करने को नहीं था तो सोचा थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ फोन पे। टाइम पास नहीं करना है अपने को टाइम यूज करना है ये वाला। कैसे? चलो उस जंगली बिल्ली मायरा के पास जाते हैं और उसे बातें बातों में ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अक्षय का खून कैसे हुआ था और किसने किया उसका खून। मतलब मेरा मतलब है उसे बातों में थोड़ा उलझाते हैं, उसे थोड़ा घुमाते हैं बातों में, तो मेरे ख्याल से उसके मुंह से सच निकल जाएगा। देखो हमें ये पता चल चुका है कि वो उस दिन अक्षय के होटल रूम में कब और कैसे गई। नहीं मतलब वो ऑलरेडी उस होटल में थी करण जीजू के साथ, तो उसके लिए कितना आसान होगा ना कि करण जीजू को जरा सी देर के लिए चकमा देके अक्षय के होटल रूम में जाके उसका मर्डर करके वापस करण जीजू के पास आ जाना। तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि, चलते हैं मायरा के पास और उसे पूछते हैं कि उसने अक्षय का खून क्यों किया, उसका मकसद क्या था इसके पीछे। एग्जैक्टली अब की ना तुमने दिमाग वाली बात, तो अब ये फोन छोड़ो और चलो मेरे साथ। एट योर सर्विस मैम। एक सेकंड, सुनो। लेकिन ऐसी कौन सी चाल चले सृष्टि जिससे मायरा सब कुछ सच बोल दे। मैंने एक चाल सोच रखी है, तुम बस चलो। चलो अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कितना अच्छा लगता है जो आप चाहते हो वो काम बिल्कुल वैसा हो जाए। मैं चाहती थी कि ये शक की सुई मुझसे हटकर मायरा की तरफ पॉइंट हो जाए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब मायरा पूरी तरीके से फंस जाएगी। ये क्या, बेबी मुझे देख के इतना मुस्कुरा क्यों रही है? बेबी तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं तुम्हें देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ। नहीं तो। ओह, so cute। सच सच बताओ, तुम प्रेग्नेंट हो, इस खुशी में हंसी तो नहीं आ रही है? वजह ये तो नहीं? नहीं बेबी, तुम्हारी क्यूटनेस में हंसी आ रही है। यू नो व्हाट बेबी, जब तुम ऐसी बातें करती हो ना, एक नंबर की साइको लगती हो। मतलब अचानक से तुम्हें मैं इतना क्यूट कब से लगने लग गया? स्मार्ट बॉय, मैं तुम्हारी क्यूटनेस में नहीं मुस्कुरा रही हूँ, अपनी समझदारी में मुस्कुरा रही हूँ कि कैसे मैंने मायरा को फंसा दिया और प्रीता सृष्टि समीर के साथ भी क्या गेम खेला है। तुम्हें पता है मैं अभी अभी समीर और सृष्टि की बातें सुनकर आ रही हूँ। वो लोग मायरा को जाकर इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये पूछने वाले कि जिस दिन अक्षय का खून हुआ था वो कहाँ थी, वो क्या कर रही थी। तुम्हें पता है बीवी, उन सबको मायरा पे शक है। और मायरा बेचारी, उसे तो पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो खुद को कैसे बचाएगी? तुम्हें क्या लगता है, तूने बहुत बड़ी प्लानिंग की? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स नॉट। देखो मैं मानता हूं कि तुमने उन लोगों को गुमराह किया है, प्रीता जी, समीर, सृष्टि, कृतिका, इन सबको गुमराह किया। कैसे? मायरा के कमरे के बाहर तुमने वो स्लिपर्स रखे,
पर तुम्हें लगता है वो स्लिपर सबूत है? साबित हो जाएगा कि अक्षय की किलर और कोई नहीं बल्कि माहिरा है। कानून को सबूत चाहिए और ये सबूत नहीं है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मैं खुश होती हूँ तुम आके कुछ ना कुछ ऐसी वाहियात मनहूस बातें करते थे। फैक्ट बताओ। कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तुम्हें और खुद को सेव कर लिया है। लेकिन नहीं, तुम मुझे कभी खुश नहीं रहने दे सकते। तुम्हें क्या लगता है माहिरा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो बेबी, अगर मेरे साथ कोई भी बुरा करता है मैं उस इंसान को कभी नहीं बख्शती, और चाहे वो इंसान माहिरा क्यों। तुमने मुझे बताया क्यों पीछे खड़ी है? कब से इशारा कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि तुम अपनी बात समझाने में बिजी थी। तुम लोग कैरी ऑन करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आई सी यू गाइस लेटर। शर्लिन, यस, क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। जब तुम कुछ नहीं कहती हो ना, इसका मतलब है बहुत कुछ चल रहा है। शर्लिन, मेरे अगेंस्ट मत जाना। मायरा, अगर फिर भी तुम गई ना, याद रखना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। ये तुम्हारी धमकी है ना, अपने पास ही रखना। और जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो ये सारे डायलॉग क्यों मार रही हो? कुछ किया नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ। अगर तुमने कुछ किया, मेरे अगेंस्ट गई, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो तुम कभी भी सोच नहीं सकती। इसमें सोचना क्या है मायरा, मुझे तो जो करना था मैंने कर लिया। आई होप हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। ये क्या किया मायरा? गलती से हो गया, क्लीन कर लो जाके। और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है ना, गार्डन में हूं मैं। माहिरा, तुमने जानबूझकर ये जूस मुझ पर गिराया, लेकिन कोई नहीं, मैं तो तुम पर बिजली गिरा चुकी हूं। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली। अरे गार्डन में जाके क्या बैठ रही हो, अब तो तुम्हारा जेल में जाके बैठने का वक्त आ गया। ये आवाज कैसी, अंदर कौन आया? अंदर कोई क्यों आएगा, पर आवाज तो सुनी थी। सुनी थी क्या? पानी की आवाज अभी तक आ रही है, टैप ऑन है, इसका मतलब शर्ले ने दरवाजे की आवाज नहीं सुनी है। नहीं, आवाज तो पक्का सुनी है मैंने। यहाँ पे तो कोई नहीं है, शायद मेरा वहम होगा। कोई तो आवाज आई थी, शायद कहीं और से आई होगी, लेकिन मुझे ऐसे क्यों लगा कि मेरे कमरे से ये आवाज आई है? मेरे कमरे में कौन आ सकता है? कहीं मायरा तो नहीं? क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं,
मेरे माथे पे लिखा है मैं बेवकूफ। चल क्या रहा है प्रीता? आई एम 100% श्योर कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा हो सकता है? ओ तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि चाची जी ने तुम्हें बता दिया ना? क्या? वही जो मैंने उन्हें तुम्हें कहने के लिए कहा था। चाची जी ने अभी तक तुमसे बात नहीं की। मैं बात करती हूँ। मुझे है ना तेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि तेरी माँ मुझे बिल्कुल पसंद है। अब समझ में आया। प्रीता चाची को मेरे खिलाफ भड़का रही है। अच्छी प्लानिंग है पर तुम फेल हो जाओगी प्रीता। मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। करो ट्राई। जो करने आए थे जो आपको करना था वो आपने कर लिया? हो गया? हाँ, कर लिया। क्या करने वाले थे? अरे मायरा के कमरे से वो डर्टी वाली चप्पल मैंने उठाकर अच्छे से क्लीन कर शलिन के कमरे में वॉशरूम के बाहर रख दी है। अब जब वो वॉशरूम से बाहर आएगी तो नेचुरली वो चप्पल पहन के बाहर आ जाएगी। आई होप ऐसा ही हो। अब तुम लोग चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ देखो देखो दिख रहा है वॉशरूम के बाहर जो चप्पल पड़ी है ना वो मैंने रखी है जो मायरा के रूम से लाई हूँ। भाभी हो सकता है शर्लिन के पास कोई दूसरी चप्पल हो जो वॉशरूम के अंदर हो और वो अंदर से पहन के बाहर आ गई हो। अरे लेकिन वॉशरूम के अंदर जो चप्पल पहन के घूमते हैं वो ही चप्पल लेकर घर में तो नहीं घूमते ना। और उसने अपनी खुद की चप्पल वॉशरूम के बाहर ही रखी हुई थी जिसे मैंने पलंग के नीचे सरका दिया और मायरा वाली चप्पल वहां रख दी। एक मिनट, अगर उसने नहीं पहनी तो? अगर चप्पल पहनने से पहले उसने चप्पल देख ली तो? और देखने के बाद अगर उसने नहीं पहना तो? करेक्ट। तो ऐसा करते हैं हम उसे देखने ही नहीं देते और कुछ करके उसका ध्यान भटका देते हैं। उसके फ़ोन पे फ़ोन कर देते हैं। फ़ोन उसका बेड पे ही पड़ा है। फ़ोन उठाने के चक्कर में उसकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी और जो चप्पल उसको दिखेगी वो पहनकर आ जाएगी बिना सोचे समझे। और एक बार उसने ये चप्पल पहन ली तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर ये चप्पल उसे आ गई तो इसका मतलब अक्षय के खून के बारे में वो हमसे बहुत ज्यादा जानती है और हमें वो सब कुछ पता लगाना है। लाओ दी अपना फोन दो मैं उसको फोन करती हूँ। अपने फोन से कर। ठीक है अपने फोन से करती हूँ। कर कर कर। मेरे फोन करने से पहले इसकी घंटी बज रही है। इसको कौन फोन कर रहा है? ये नक्कटे डायन को मुझसे पहले कोई और फोन किए जा रहा है और समझ में नहीं आ रहा कौन है ये यार। कोई भी हो सकता है, कोई और फोन कर सकता है। चलो हमारा काम तो पूरा हो गया ना। ये कौन मुझे बार बार कॉल कर रहा है? चप्पल पहन ली। इसका मतलब ये चप्पल इसी की? इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। इसको तो मैं किचन को देख के याद आया कि आजकल बहुत कम खा पी रहा हूं मैं। खुद का ध्यान ही नहीं रखता तू पृथ्वी। क्या करता है यार? ये सही है। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अलाइव। और आजकल सबको खाना चाहिए। पेट में बैलेंस गया नहीं और उससे पहले ये फोन। बैलेंस शीट आ गया। ये पंचायती बिजनेस में निशंकुत विदेश में है उसके बावजूद उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, आसमान की बुलंदी छू रहा है और मेरा बिजनेस धूल छू रहा है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा है। उसका या तो कोई लकी चार्म होगा या तो वो लूथरा है ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है और विरासत में किस्मत भी लूथरास की, इसीलिए उसका बिजनेस अच्छा कर रहा होता है और मेरा बिजनेस खराब। पर अब तो मैं भी लूथरा हूं यार। हाँ आधा लूथरा ही सही, हाफ लूथरा ही सही, पर हूं तो सही। तो फिर मेरा बिजनेस क्यों अच्छा नहीं कर रहा है? मेरी किस्मत क्यों नहीं है ऐसी जैसी उस ऋषभ लूथरा की है? जो भी है
मैं दिल से बददुआ देता हूँ उस पंचायती बिजनेसमैन को कि तेरा बिजनेस धूल चाटे, तेरे साथ बुरा हो, इतना बुरा हो जितना आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लोहरा के साथ कुछ ऐसा हो जिस सबसे ज्यादा दर्द हो, सबसे ज्यादा। मैं चाहता हूँ मैं उसकी दुखती रग को दबा, दुखती रग। उस पंचायती बिजनेसमैन की दुखती रग कौन सी है जिसे दबाने से उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा? कमाल है पृथ्वी, उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लोहरा की दुखती रग तो तेरे सामने है। उसका छोटा भाई यानी कि वो गिल्ली डंडा प्लेयर करण लोहरा, वो ठीक है। अब मैं उस पंचायती बिजनेसमैन की दुखती रग को दबाऊंगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। आएगा मजा, चल पृथ्वी दबा दे उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लोहरा की दुखती रग को। मेरा फोन तो शर्नी मैम का लेटर है, कुछ दिन पहले आया था पर मैं देना भूल गया था। अब इस घर में इतना कुछ हो रहा कि समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना। अब इससे पहले शर्नी मैम को पता चले कि मैंने गलती की और वो मुझे डांटे, मैं जल्दी से ये लेटर उनके कमरे में रख देता हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो तुम ही हो सकती हो जो मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत कर सकती हो। अरे जो लड़की पृथ्वी को ब्लैकमेल कर सकती पैसों के लिए, वो मुझे भी ब्लैकमेल कर सकती पैसों के लिए। तुम जैसी लड़कियों का यही काम है, लोगों को ब्लैकमेल करो और उनसे पैसे लो, और हर किसी आते जाते इंसान को ये बोलो कि वो खूनी। देखो ये फालतू की बकवास ना तुम अपने पास ही रखना। इस धरती पर कोई भगवान तो है नहीं, सब इंसान है ना, और वो इंसान पाप जरूर करते हैं, कोई कम करता है तो कोई ज्यादा। अक्षय ने भी ब्लैकमेल किया तो महापापियों की गैंग को, एक वो पृथ्वी मल्होत्रा, कौन सा दूध का दुलार, नंबर वन पापी है। 24 घंटे अपने चेहरे पर झूठ का नकाब लिए फिरता है, झूठी फितरत, झूठा प्यार, झूठा दिखावा। और एक तुम शैलिन, तुम भी कोई सती सावित्री नहीं हो, इज्जतदार खानदान द लूथरास की बहू कहलाने के लायक भी नहीं। Shut up! एक वो चलता फिरता धोखा और एक तुम। क्या हुआ, बुरा लग रहा है? देखो शैलिन, तुमने जो भी सुनाया ना शैलिन, एकदम ठीक सुनाया। अरे मैं तो ये भी जानती हूँ जिस दिन अक्षय का खून हुआ उस दिन उसने तुम्हें क्यों फोन किया था। क्यों फोन किया था? उसे तुमसे पैसे चाहिए थे, वो भी फ्री पॉकेट के नहीं। वो तुम्हारा राज जानता था और वो राज अब मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारी कोख में जो बच्चा है वो ऋषभ लोहरा का नहीं, पृथ्वी मल्होत्रा का है। मैं कर रहा हूँ ना फोन चुस्ती। अरे एक मिनट इधर लाओ तो सही। मैं तुम झगड़ा बंद करो, करने देना समीर को फोन, फोन तो करो, एटलीस्ट बात आगे तो बढ़ाओ। चलो उनको फोन। ठीक है मैम, मैं करता हूँ। आवाज कहाँ से आ रही है, कितना आर्ग्यू करती हो यार। नहीं हो पाएगा यार, अब क्यों नहीं समझ रहे तू क्या कर रहे हो यार फोन तो। अरे सिस्टी कितना आर्ग्यू करती, भाभी ने बोला ना मुझे फोन करने। अरे यार तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? मैं कहाँ जिद कर रहा हूँ, इधर लो प्लीज, इधर देखो। अरे अरे मुझे फोन, फोन दो, क्या कर। क्या हो गया, अब बोलती क्यों बंद हो गई तुम्हारी? और पहले भी कर रहे थे ना, अब क्या हो गया, भूत देख लिया क्या? चाची चाहिए क्या? चाची जी, प्रीता तो इस घर की बहू है ना, और तेरी ही आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है तो चुपचाप देख रही है। हाय रब्बा, ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं, लड़का लड़की है, जवान हो गए हैं और एक दूसरे से चिपक रहे हैं और तू तो चुपचाप। नहीं नहीं चाची,
ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस ये समीर से उसका फोन छीन रही थी मैं। अच्छा, फोन छीन रही थी? ऐसे फोन छीना जाता है क्या? ऐसा भी क्या है इस फोन में हा? जो इसे लेने के लिए दीवाने हुए जा रही थी, बता। ऐसा दीवानापन तो मैं अपनी छोटी बहन में देखती थी जब उसे मेरे फोन में सुरेश जी के मैसेज देखने होते थे। हाय रब्बा। ऐसा तुम दोनों को देखकर तो कहीं से भी नहीं लगता है कि तुम दोनों बहने हो, हा? क्या चक्कर है? हाँ, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी डरी डरी से क्यों लग रही हो? रुचिका, मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की थी, मैंने सोचा भी नहीं था, पता नहीं कैसे कर दिया। अब क्या कर दिया तुमने? मैंने शर्लिन को ब्लैकमेल किया है, उसे ब्लैकमेलिंग के 50 लाख रुपए मांगे मैंने। मेघा, तो क्या हुआ? और ये कौन सी नई बात है तुम्हारे लिए? और ये सब चीजों में तो तुम काफी एक्सपीरियंस्ड हो। लास्ट टाइम भी तो तुमने पृथ्वी से मांगे थे कुछ पैसे ब्लैकमेल करके, राइट? हाँ, मैंने किया था पृथ्वी को ब्लैकमेल, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग एकदम अलग तरह की थी। देखो, शर्लिन के सामने मैं बड़ी कॉन्फिडेंट थी, सच कहूँ ना तो अब मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कर दिया मैंने? सही किया, गलत किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेघा, आई अंडरस्टैंड, पर इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? डरने की बात है रुचिका, अक्षय ने भी शर्लिन को ब्लैकमेल किया था ना। हाँ, क्या हुआ? खून हो गया ना उसका। देखो, हो ना हो, मुझे लगता है कि शर्लिन ने ही अक्षय का खून किया है। बहुत खतरनाक है वो ज्यादा मुझे कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी खामोशी से कातिल होने का एहसास मुझे हो रहा था। अरे, नागिन है नागिन, देखना वो नागिन मुझे भी डस लेगी। मैंने गलती कर दी जो उसके बिल में हाथ डाल दिया। मुझे नहीं छोड़ेगी वो मुझे भी मार डालेगी। मेरे किए की सजा ना मेरे होने वाले बच्चे को भी मिलेगी। ऑलरेडी मेरे होने वाले बच्चे का बाप इस दुनिया में नहीं रहा। देखना वो मुझे नहीं छोड़ेगी, मुझे मार डालेगी। मेघा, रिलैक्स, यू नीड टू काम डाउन। ओके, मैं हूं ना, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, जस्ट काम डाउन। आजा बैठ, आजा। मेघा, अक्षय का होने वाला बच्चा मेरा भी तो कुछ ना कुछ लगेगा, है ना? हाँ या नहीं? हाँ। मेघा, वैसे भी आज तक हम सिर्फ लड़ाई झगड़े करते आए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते आए हैं, पर अभी टाइम आ गया है कि हमें एक साथ होना है। मेघा, वैसे भी अलग अलग रहकर मेघा हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर एक साथ आएंगे ना मेघा, तो इन अमीरजादों से पैसे निकाल के उनसे लड़ सकते हैं। मेघा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस करती हूँ मेघा, मैं तुम और तुम्हारे होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू रुचिका, थैंक यू सो मच। मेघा, प्लीज डोंट बी थैंकफुल। यू नो, तुम शर्लिन से ब्लैकमेल करके कुछ पैसे निकाल रही हो? हाँ, तो बस उसमें से 50% मुझे दे दो। तो ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मेरा साथ दे रही हूँ सिर्फ पैसों के लिए? पैसे चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएंगे तुम्हें पैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन 50% तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। बहुत ज्यादा डिमांड कर रही हो तुम रुचिका। मेघा, कम ऑन, 45% तो दे सकती हो। 15% से 1 रुपया नहीं। 15% माय फुट। मेघा, 35% से नीचे नहीं जाऊंगी। 20% गिव मी अ ब्रेक। 25% और इसके नीचे मैं जाने नहीं वाली हूँ। बोलो तो ये डील लॉक कर दूँ, वरना। हाँ, ठीक है, डील डन। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को ये पूरे खतरे से बचाओगी। मेघा, काम डाउन, ये सही नहीं है तुम्हारे बच्चे के लिए। तुम मेरे साथ पूरी तरह से सेफ हो। और रही बात शर्लिन की ना, तो वो तुम्हारे आसपास मंडराएगी भी नहीं। ठीक है? ठीक है रुचिका, गुड गर्ल।
बेबी क्या हुआ, तुम क्यों लग रही हो? तुम्हें याद है तुम मुझसे कितना गुस्सा हो गए थे जब तुम्हें पता चला कि वो अक्षय वाली बात मैंने तुमसे छुपाई, कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तुमने कहा था कि अगर ये बात मैं तुम्हें पहले बता देती तो मेरी मदद कर देते। ऑफ कोर्स, अच्छे से याद है, मैंने तुमसे ये कहा कि अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करती ना तो मैं किसी प्रॉब्लम को तुम तक पहुंचने नहीं देता, तुम तक कोई प्रॉब्लम आने नहीं देता। मैंने तुमसे ये कहा था कि अगर कोई भी मेरे बच्चे की माँ को परेशान कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो मैं उसी को ब्लैकमेल कर दूं, उसकी बैंड बजा दूं। मैंने तुमसे कहा था, ये क्या हुआ है? मुझे फिर से ब्लैकमेल किया जा रहा है हमारे बच्चे की वजह से। व्हाट? देखो तुम मजाक कर रही हो ना बेबी, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि अक्षय तुम्हारी वजह से मर चुका है, अब क्या उसने पुनर्जन्म ले लिया, फिर से जिंदा हो गया हूँ? अक्षय नहीं है, कोई और है। कौन? मेघा। मुझे किसी का कॉल आया था और उसने कहा कि अगर मैं उससे मिलने नहीं गई तो मेरा राज लूथरस को बता देगी, लेकिन जब मुझे कॉल आया था मुझे नहीं पता था कि वो कौन इंसान है। मैं वहां पर पहुंची तो वहां पर बुरखे में एक लड़की मेरे पास आई, जब मैंने बुरखा हटाया तो देखा कि वो मेघा थी। उसने कहा कि अक्षय के पास जो वीडियो था जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, वो वीडियो उसके पास है और वो वीडियो वो लूथरस को, ये सब लूथरस सबको दिखा देगी, मेरे राज के बारे में सबको बता देगी। वो वही वाला वीडियो, वही वाला जिसमें हम दोनों अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें तुमने मुझसे ये कहा था कि ये भी मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, वही वाला वीडियो। तुम टेंशन मत लो, ओके, जस्ट रिलैक्स, किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लो, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, जस्ट रिलैक्स। तुम समझ नहीं रहे हो, ऋषभ इस बच्चे की बहुत परवाह करता है और जब तक तुम्हारा बदला पूरा नहीं होता तब तक इस बच्चे के नाम पर मैं लूथरा से बहुत कुछ छीन सकती हूँ, लेकिन अगर गलती से भी ऋषभ को पता चल गया कि ये बच्चा उसका नहीं तुम्हारा है तो तुम्हें मुझे और इस बच्चे को इस घर से निकाल फेंकेगा। मेरी चाहती कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो। देखो तुम्हें पता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ, मैं वीक हूँ, नहीं तो तुम्हें पता है मेघा क्या, इस दुनिया में कोई भी इंसान के पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत होता तो मैं मिटा देती, लेकिन मैं इस वक्त बहुत वीक हूँ। बेबी तुम मेरी हेल्प करोगे ना? ऑफ कोर्स तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारी हेल्प, हमारी हेल्प, हमारे फ्यूचर की हेल्प करूंगा। मैं हूं ना स्ट्रांग, द स्ट्रांगेस्ट, तुम्हारा पुन्नू बेबी है ना, तुम देखना बेबी, चाहे मुझे जो करना पड़े करूंगा। मैं उस मेघा के घर जाऊंगा, वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है, स्मार्टनेस निकाल दूंगा उसकी, उसके घर जाऊंगा और हमारे खिलाफ जो भी सबूत है ना उसके पास सब उड़ा के लाऊंगा, सब छीन के लाऊंगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू, ओके? और ये काम मैं अभी इसी वक्त करूंगा, सो तुम टेंशन मत लो। ओके, विश मी लक, ऑल द बेस्ट। मैं पृथ्वी को बताती कि मेघा पैसों की डिमांड कर रही है तो वो कहता कि मेघा को पैसे दो और उसका मुंह बंद कर दो, लेकिन पृथ्वी ये नहीं जानता कि अक्षय और मेघा जैसे लोग सिर्फ कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रख सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, हमें कुछ देर के लिए नहीं। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, इस दुनिया में हमारे खिलाफ जो भी सबूत है वो हमेशा के लिए मिट जाए, और ये सारे काम करने के लिए पृथ्वी से अच्छा और कौन हो सकता है? मैं क्या बोल रही हूँ सामी, सबूत चाहे कहीं पर भी छुपा हो उसे धरती से मिटाया नहीं जा सकता। उसे क्या कर? मैं ये कह रही हूँ कि सबूत छुपाया जा सकता है लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक सबूत को छुपाने जाओ तो दूसरा खड़ा हो जाता है और दूसरे को मिटाने जाओ तो तीसरा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सिस्टी? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर तुम एक सबूत मिटाओ तो दूसरा सबूत सामने आ जाता है, और अगर दूसरा मिटाने जाओ तो पहले पे सवाल खड़े हो जाते हैं। समझ में आई तुम्हें बात? इसका मतलब हमें अलर्ट रहना होगा, अपनी आंखें खुली रखनी होगी, सबूत कभी भी मिल सकता है, राइट? कितनी बातें करते हो, हम यहाँ पे बातें करने आए हैं क्या? हम ये गार्डन नहीं है, ये शॉलिन का रूम है। अब क्या होगा?
मैं बातें कर रहा हूँ। अरे तुम बातें करी, तुमने बातें करनी शुरू करी, तुम मुझे बोल रही हो मैं बातें कर रहा हूँ यार। इस बात पे भी लड़ोगे क्या तुम मुझसे कि कौन ज्यादा बातें कर रहा है? सृष्टि मैं लड़ता नहीं हूँ, लेकिन तुम अगले दिन मुझे सुनाती हो ना, कल सुनाओगी मुझे वापस? अरे कल की कल देखेंगे, आज की आज देखे प्लीज। और ढूंढने की कोशिश करते जो ढूंढने आए, पता नहीं क्या। लेकिन अच्छा जा रहा हूँ, धकेलो मत यार।